दिस वीडियो इज रिलेटेड अबाउट द 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टिफायर. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इज. हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है. फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 1.21, थर्ड ऑप्शन है 1.57, फोर्थ ऑप्शन है 1. सो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.21. सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. फॉर्म फैक्टर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, सेकंड है RMS वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है पीक वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू एंड फोर्थ ऑप्शन है एवरेज वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू. सो फॉर्म फैक्टर है उसको डिफाइन करते हैं हम RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू. सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. थर्ड क्वेश्चन है आपका द पीक फैक्टर ऑफ ए रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. पीक फैक्टर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, सेकंड ऑप्शन है पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है पीक वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू एंड फोर्थ ऑप्शन है RMS वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू. तो पीक फैक्टर किसी भी रेक्टिफायर का क्या होता है, पीक वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू. सो ऑप्शन सेकेंड इज राइट. फोर्थ ऑप्शन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग रेक्टिफायर इज हैविंग फॉर्म फैक्टर 1.57. सो 1.57 फॉर्म फैक्टर इनमें से किस रेक्टिफायर का होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेकंड है ब्रिज रेक्टिफायर, थर्ड है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फोर्थ है नन. तो यहाँ पे जो 1.57 फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का. सो थर्ड ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ए रेक्टिफायर सर्किट इज. फर्स्ट ऑप्शन है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी नो लोड इनटू 100, सेकंड ऑप्शन है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इनटू 100, थर्ड ऑप्शन है वी फुल लोड माइनस वी नो लोड अपॉन वी फुल लोड इनटू 100 एंड लास्ट ऑप्शन है नन. तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इनटू 100. सिक्स क्वेश्चन है आपका ए फुल वेव रेक्टिफायर नीड्स एटलीस्ट डायोड्स. सो एक फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास कितने डायोड होते हैं. तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है सेकंड. फुल वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर 2 डायोड्स होते हैं और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके अंदर 4 डायोड होते हैं और हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसमें 1 डायोड होता है. सेवन्थ क्वेश्चन है आपका द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर इज. फर्स्ट ऑप्शन है 100%, सेकंड ऑप्शन है 40.6%, थर्ड ऑप्शन है 81.2% एंड फोर्थ ऑप्शन है 60%. सो मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपकी होती है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है 81.2%. एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर हैविंग फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑप्शन है हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकंड है सेंटर टैप रेक्टिफायर, थर्ड ऑप्शन है ब्रिज रेक्टिफायर एंड फोर्थ ऑप्शन है नन. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, हाफ वेव रेक्टिफायर. नाइन्थ क्वेश्चन है डायोड्स आर लेस सूटेड फॉर लो वोल्टेज रेक्टिफायर ऑपरेशन बिकॉज. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका इट कैन नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है इट्स रिवर्स सेचुरेशन करंट इज लो, थर्ड ऑप्शन है इट्स करंट इन वोल्टेज इज हाई एंड फोर्थ ऑप्शन इट्स ब्रेक डाउन वोल्टेज इज हाई. सो द राइट ऑप्शन इज इट्स कट इन वोल्टेज इज हाई. सो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, इट्स कट इन वोल्टेज इज हाई. अब टेंथ क्वेश्चन है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर. सो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, 50%, 40.6%, 81.2% और 45%. तो इसका राइट आंसर है सेकंड, 40.6%. सो इलेवंथ क्वेश्चन है द मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज दैट ए डायोड कैन विदस्टैंड इन इट्स रिवर्स बायस्ड कंडीशन इज. सो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेकडाउन वोल्टेज, सेकंड है कट इन वोल्टेज, थर्ड ऑप्शन है नी वोल्टेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज पीक इनवर्स वोल्टेज. सो इट्स राइट आंसर इज पीक इनवर्स वोल्टेज, फोर्थ ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज देन द रिपल फ्रीक्वेंसी इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 150 हर्ट्ज, सेकंड इज 200 हर्ट्ज एंड थर्ड इज 100 हर्ट्ज एंड फोर्थ ऑप्शन इज 300 हर्ट्ज। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप इसको सोल्व करोगे तो इसका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन 200 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पीक वोल्टेज फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज 5 वोल्ट एंड डायोड कट इन वोल्टेज इज 0.7 देन पीक इनवर्स वोल्टेज ऑन डायोड इज, ये भी न्यूमेरिकल है। सो फर्स्ट ऑप्शन है 5 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन 4.9 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 4.3 वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6.7 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है 4.3 वोल्ट। 14th क्वेश्चन इज इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर द साइन वेव इनपुट इज 50 sin 50 t। तो यहाँ पे ओमेगा जो है उसकी वैल्यू 50 दी हुई है और वी नोट है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 50। इफ द लोड रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 kΩ देन एवरेज डीसी पावर आउटपुट विल बी, तो इट्स फर्स्ट ऑप्शन इज 3.99 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन इज 2.5 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज 5.97 वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6.77 वोल्ट। तो इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर है आपका 2.5 वोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफिशियंसी ऑफ ए ब्रिज वेव रेक्टिफायर इज, ब्रिज वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होगी, फर्स्ट ऑप्शन है 81.2%, सेकंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है 40.6% एंड फोर्थ ऑप्शन है 45.33%। सो इट्स राइट आंसर इज फर्स्ट 81.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सो एसी वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिवर्स बायस रेक्टिफायर बिहेव एज, रिवर्स बायस में रेक्टिफायर किस टाइप से बिहेव करता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और एम्पलीफायर। सो द इन रिवर्स बायस रेक्टिफायर बिहेव एज ए कैपेसिटर, सो सेकंड आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग बिकॉज इट हैज ए पल्स वेरिएशन, इट गिव्स ए डीसी आउटपुट, इट कंटेन्स बोथ डीसी एंड एसी कंपोनेंट्स और इट गिव्स ओनली एसी कंपोनेंट। सो द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग बिकॉज, थर्ड ऑप्शन इज राइट, इट कंटेन्स बोथ डीसी एंड एसी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन द रेक्टिफायर करंट इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स विच कॉज द डायोड एक्ट एज, फर्स्ट है ओल्ड वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड है मिक्सर, थर्ड है स्विच और फोर्थ है ओसिलेटर। सो इसका राइट आंसर है स्विच, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपल फैक्टर ऑफ ए पावर सप्लाई इज ए मेजर ऑफ, फर्स्ट है इट्स फिल्टर एफिशिएंसी, सेकंड है इट्स वोल्टेज रेगुलेशन, थर्ड है डायोड रेटिंग और फोर्थ है नन। सो द रिपल फैक्टर ऑफ ए पावर सप्लाई इज ए मेजर ऑफ इट्स फिल्टर एफिशिएंसी, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रीजन वाई ए फुल वेव रेक्टिफायर हैज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, सो द बेसिक रीजन इज, द फर्स्ट ऑप्शन है इट मेक्स यूज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, सेकंड है इट्स रिपल फैक्टर इज मच लेस, थर्ड है इट्स यूटिलाइज बोथ हाफ साइकिल एंड द फुल साइकिल इन द आउटपुट, फोर्थ है नन। सो इट्स राइट ऑप्शन इज थर्ड, बिकॉज फुल वेव रेक्टिफायर में आपकी जो प्लस हाफ साइकिल है वो भी यूज होती है और माइनस हाफ जो साइकिल है वो भी यूज होती है। तो 22 का क्वेश्चन है द रिपल फैक्टर ऑफ ए पावर सप्लाई इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑप्शन है पी डी सी अपॉन पी ए सी, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस वन, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ आई डी सी अपॉन आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस वन, फोर्थ ऑप्शन है आई डी सी अपॉन आई आर एम एस। सो द रिपल फैक्टर ऑफ ए पावर सप्लाई इज स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर माइनस वन, सो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद ए संट कैपेसिटर फिल्टर इज, फर्स्ट ऑप्शन है 2 Vm, सेकेंड ऑप्शन है Vm, थर्ड ऑप्शन है Vm बाय 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 3 Vm। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन Vm, एंड तो पीक इनवर्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज Vm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ ए रेक्टिफायर इज, रेक्टिफायर का मेन कंपोनेंट क्या होता है,
फर्स्ट है डायोड, सेकंड है कैपेसिटर, थर्ड है चोक और नन। तो डायोड में जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, डायोड, सॉरी रेक्टिफायर में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डायोड्स आर यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर। सो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स यूज होते हैं, सो द राइट आंसर इज फोर्थ। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज होते हैं। 26th क्वेश्चन है, फॉर ए हाफ फुल वेव रेक्टिफायर VDC इज इक्वल टू। तो फर्स्ट ऑप्शन इज VDC इज इक्वल टू VRMS इनटू 0.90। सेकंड ऑप्शन इज VDC इज इक्वल टू VRMS इनटू 0.45। थर्ड ऑप्शन इज VDC इज इक्वल टू VRMS इनटू 0.50 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट, फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर VDC इज इक्वल टू VRMS इनटू 0.90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर VDC इज इक्वल टू। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VDC की वैल्यू क्या होगी, सो ऑप्शन आपके सेम है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो VDC होगा वो किसके इक्वल होगा, VDC इज इक्वल टू VRMS इंटू 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आपका रिपल फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है आपके 1.11, सेकंड ऑप्शन है 1.21, थर्ड ऑप्शन है 0.48 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2.21। सो इट्स राइट ऑप्शन इज 0.48, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, सो ऑप्शन इज 0.256, सेकंड ऑप्शन इज 0.697, थर्ड ऑप्शन इज 0.287, फोर्थ ऑप्शन इज 0.597। सो द राइट आंसर इज थर्ड, 0.287। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर इज। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो क्या होगा, ऑप्शन आपके सेम है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, 0.697। सो दीज आर द 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेक्टिफायर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।